हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरती क्रिएशन। राधे राधे। इस वीडियो में हम विग बना रहे हैं। ये फर का कपड़ा है, इसको हम राउंड शेप में कट करेंगे और इसमें हम विग बनाने में हम हेयर का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ओनली फर के कपड़े से ही विग बनाएंगे। बन के बहुत ही अच्छी लगती है, लास्ट में ज़रूर देखिएगा। इसको राउंड शेप में कट करके और एक साइड से आधा इंच फोल्ड करके तिरछा इसको हम थोड़ा सिल लेंगे इस तरह से। ये आगे साइड का है, एक साइड हम आधा इंच सिलेंगे, बीच में एक इंच छोड़ के फिर हम ऐसा ही आधा इंच करके थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके हाथ से इसमें सिलाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से करने से हल्का सा एक फोल्ड हो जाएगा कपड़ा और आगे से कैप शेप में आ जाएगा। ये फर का कपड़ा है, इसमें ब्लैक केसे होते हैं और दूर से देखने में बाल जैसे ही लगते हैं। आप इनको विग बना के लड्डू गोपाल जी को लगाइए, ऊपर से मुकुट लगाइए, बहुत ही सुंदर लगता है। लास्ट में हम आपको ये विग लगा के भी दिखाएंगे। आप जिस लड्डू गोपाल जी के बनाना चाहते हैं उनका, उसी हिसाब से आप राउंड शेप में कट करके आप इसको सिल लीजिए। ये देखिए, आगे से तैयार हो गया है। अब पीछे साइड से हम थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके इसको ऐसे सिलाई करेंगे। मुकुट बनाने के लिए आप चैनल में जाकर विज़िट करिए, आपको बहुत सारे डिज़ाइन के मुकुट आपको मिलेंगे। इस विग के ऊपर आप मुकुट लगाइए, बहुत ही सुंदर लगते हैं। पीछे साइड पे थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके देखिए सिल लिया है, अच्छे से टाइट सिलेगा और नॉट भी अच्छे से लगा दीजिएगा। ये देखिए, बन के तैयार हो गया है। लड्डू गोपाल जी को लगा के दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल हेयर जैसा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी विग के ऊपर आपको हेयर लगाना भी बताएंगे। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएगा। थैंक यू।